हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज बहुत लेट से स्टार्ट हुआ है रिकॉर्डिंग करना, क्योंकि आज मटन लेने के लिए मैं दूर चल गया था, लाइन में लगना पड़ा, वहाँ बनाया फिर लेकर आए, फिर अभी तुरंत नहा धोवा के हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल, क्योंकि मैडम का ड्यूटी है। तो आज रोड सन्नाटा रहता है, क्योंकि त्यौहार का दिन है आज, तो सब घर में मटन उटन सब खाता है सब, तो इसलिए हम लोग सब भी जा रहे हैं, बाहरी बच्चा। तो आज पहली बार होगा कि मैं बोलपुर एंड घर से बाहर थोड़ा आउट एरिया गाँव की तरफ जा रहा हूँ। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं कैसा है व्यू। और मैडम तैयार हो गई, बेबी भी तैयार हो गया है इधर, तो चलते हैं। हल्का हल्का धूप है, हल्का हल्का हवा, हल्का हल्का ठंडापन। डबल डबल होती थी जो कभी कभी तकलीफें। स्कार्फ लगा लिया है, कहा कि ठंडा मॉइस्चराइजर हवा चल रहा है। अब इतना अच्छा, मतलब कितना दिन के बाद हम जा रहे हैं इधर है? बहुत दिन हो गया, मतलब एक साल का लमसम हो गया इधर रूट में मेरा जाया हुआ। मतलब ये ब्लॉग में हम पहली बार जा रहे होंगे ब्लॉग करते हुए ना। प्रेगनेंसी तब जाते थे चलिए आप लोगों को व्यू दिखाते हैं इधर का, पूरा जंगल पहाड़ गांव और खेत खलिहान सब दिखेगा अभी मजा में। तो आज हम लोग हॉस्पिटल पहुंच गए हैं और हॉस्पिटल खुल भी गया है। आज ज़्यादा पेशेंट नहीं है, क्योंकि रीज़न ये है कि आज त्यौहार है, तो घर में सब खसी मटी सब खाता है। मतलब आज तो नवमी है ना, नवमी के दिन में सब बकरा उकरा काटता है घर में, मुर्गा मुर्गी जिसका जितना हो सके काटता है। यहाँ आज पेशेंट नहीं है, तो भीड़ भाड़ भी नहीं है, तो अपना ड्यूटी टाइम पूरा देना है, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे घर। देखिए यहाँ का कुछ व्यू दिखाते हैं आप लोग को। यहाँ क्वार्टर है, मगर ना क्या है कि खंडहर हो गया है यहाँ बहुत। मतलब जब से हम लोग आए हैं तब से यहाँ कभी देखे नहीं है किसी को रहते हुए, और यहाँ सुनने में आया, मतलब लोगों से सुनने में आया कि चोरी चमारी बहुत ज़्यादा होता था, तोड़ फोड़ होता था, लड़ाई झगड़ा होता था, इसलिए यहाँ कोई रहना पसंद नहीं करता था। कोई एक जन था उसके साथ हादसा हुआ था, तो उसके बाद तो पूरे ख़त्म हो गया, यहाँ कोई रहता ही नहीं, सब बाहर में ही रहता है और बाहर से ही आता है। हम लोग भी यहाँ से जाते हैं 30 किलोमीटर बोलपुर, बोलपुर से फिर यहाँ आते हैं ड्यूटी, तो इस तरह से तो ठीक है, वहाँ सेफ़ है। हम लोग वहाँ से क्या है कि घर जाने के लिए भी गाड़ी उड़ी का सुविधा हो जाता है, यहाँ पे विलेज है तो यहाँ कोई सुविधा ही नहीं है, कहीं कुछ जा नहीं सकता। और तबीयत वबीयत ख़राब हो गया ज़्यादा तो फिर तो और ही हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि गाड़ी ही नहीं मिलेगा फिर आपको। तो हम लोग वहीं चले गए, बोलपुर सेफ़ जगह है, अच्छा जगह है और घूमने के लायक भी है, रहने के लायक, कुछ भी ज़रूरत का सामान तुरंत मिल जाता है, तो ठीक है वहाँ। और बेबी यहाँ खेल रहा है अभी, पूरा मस्ती कर रहा है, इसको बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। मतलब ये कुछ ज़्यादा हैप्पी है, मतलब खुला मेला पहली बार ऐसा देखा ना, ऐसा खुला मेला में जल्दी नहीं रहता है। तो यहाँ पेड़ पौधा है और पूरा घास उस पड़ा, बड़ा बड़ा हरियाली हो गया, तो इसको अच्छा लग रहा है, घूम रहा है फिर रहा है। हॉस्पिटल के अंदर में हम जाकर रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे पोस्टर लगा हुआ है कैमरा नॉट अलाउड, तो फिर रूल को तोड़ना सही बात नहीं है। तो यहीं पर हम लोग बाहर में ही हैं, जो भी बातें आप लोग से करना है या फिर मुझे रिकॉर्डिंग करना हो तो बाहर में हम कर सकते हैं, उसके लिए कोई रोक नहीं, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर में नहीं। तो फिर देखते हैं, टाइम अभी बहुत टाइम है, पूरा ड्यूटी ख़त्म होने में अभी कम से कम 6 घंटा अभी है, तो ड्यूटी ख़त्म होगा फिर यहाँ से निकलेंगे, आप लोग को व्यू दिखाएंगे। ठीक से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि लेट हो रहा था पूरा, तो जाते टाइम आप लोग को बढ़िया बढ़िया व्यू दिखाऊँगा। खेत उत है, हरियाली बहुत ज़्यादा हरियाली है, मस्त एकदम ठंडा ठंडा समर वाला, तो समर क्या बताइए, तो मौसम लग रहा है ठंडा आ गया। उस तरह से गाड़ी में चल रहे थे तो हवा आ रहा था, तो लग रहा था वाह मज़ा आ गया। चलिए वेट करते हैं ड्यूटी ख़त्म होने का, देन निकलेंगे घर। घर में मैं मटन ला कर रखा हूँ, उससे भी नहीं बनाया है, ऐसे सूखा सूखा खा कर आ गए हैं, रात का खाना था उसको। तो गाइस टाइम हो गया, छुट्टी हो गया, चलते हैं घर और खाना पीना बनाना है। बहुत बोरिंग लग गया आज हमको, बोरिंग लग तो जाएगा ही, कोई भी नहीं है गाइस हॉस्पिटल में, बहुत कम
चलिए व्यू दिखाते हैं आप लोग को, इधर को दिखाओ शिवा को भी वीडियो में लाना होगा। गाइस हम लोग पाड़वी पहुंच गए हैं, और पाड़वी मतलब हॉस्पिटल का बगल का एक लोकल बाजार है जो डेली मिल जाता है कुछ ना कुछ सब्जी वब्जी भाजी। हाँ सब मतलब मार्केटिंग इधर मार्केटिंग का एरिया यही है मतलब सामने में, इसके बाद कोई मार्केट नहीं, बहुत दूर दूर में है, सामने यही है। ऐसा हरियाली देख के मन खुश हो जाता है। एक और सीन है दिखाते हैं वहाँ पे ना, गर्मी में भी ठंडा लगता है बहुत। तो गाइस घर आ गए हैं पूरा थक हार के, अब जो मिलेगा खा लेंगे, पहले बाद में मटन सटन देखा जाएगा। मटन तो लाए हैं सुबह ही में, लेकिन रखा हुआ है फ्रिज में, और इतना कस के भूख लगा है कि मटन कौन बनाएगा, जो मिलेगा अभी खा लेंगे रूखा सूखा। अभी क्या है रे खाने में? अभी मतलब चावल है, नमक है, नमक भी नहीं, नमक रास्ते में लिए फुसफुस है। बता दिया हमको फुस ना फुसफुस क्या है कुछ खास। चलो खाते हैं, कपड़ा चेंज करते हैं फटाफट। तो गाइस खाना हो गया है, अभी जा रहे हैं मटन बनाने, आप लोगों को दिखाते हैं हल्का सा झलक कैसे बनाते हैं। तो गाइस मैं मटन चढ़ा दिया हूँ, बन रहा है धीरे धीरे, और मैडम अभी बना रही है पुलाव, पूरा तैयारी फॉर्म में है। हम उधर से आए तो खा लिए जो था, लेकिन ये नहीं खाए, इसको पुलाव खाना था। देखिए कितना फुर्सत में बना रही है एकदम आराम से। तो अभी बनता है गाइस, फिर आप लोगों को फाइनल लुक दिखाएंगे अभी कैसा लगेगा देखने में। तो गाइस मटन और पुलाव दोनों बन गया, देखिए फाइनल लुक मटन एंड पुलाव, सादा पुलाव, और सलाद के लिए यहाँ पर खीरा है। तो अभी खाने का मूड नहीं, हम तो खा लिए हैं, हो सकता है मैडम खाएगी, तो अभी वो खाना खाएगी, उसके बाद हम लोग जाएंगे घूमने बाहर। ऐसे पंडाल तो सारा देख ही लिए, दो चार बचा हुआ है बाईपास में, उसको देखेंगे और कुछ खा के चाट उट खा के फिर घर आ जाएंगे। तो बाईपास रोड का पहला पंडाल यहाँ पे है। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं दूसरा पंडाल, ये पहला पंडाल देख लिए हैं, और एक पंडाल है बस, उसके बाद बाईपास में ख़त्म हो जाता है, उसके बाद हम लोग देखते हैं। ये पूरा सिंपल सा है लेकिन ठीक ठाक है, गांव का है तो ठीक ही रहे। तो गाइस ये बाईपास रूट में दो ही पंडाल था, दोनों हम लोग देख लिए। इधर कोई ठेला वाला नहीं है, तो हम लोग जा रहे हैं वापस मेला तरफ, उधर ही कुछ खा के फिर रिटर्न हो जाएंगे घर, और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।